का रस गई, नींबू के रस में होता है सिट्रिक एसिड और कुछ अलग पदार्थ और पाए जाते हैं। सो सिट्रिक एसिड जो करता है आपके डेड स्किन सेल्स को निकालता है और आपकी जो है रूसी को खत्म कर देता है। सो जब आपकी रूसी होती है गाइज, आपके जो है डैंड्रफ होता है जिसकी वजह से आपके बाल बहुत तेजी से झड़ने लगते हैं। सो यह जो है डैंड्रफ को खत्म कर देगा, आपकी स्केल्प को क्लियर कर देगा जिससे वहाँ जहाँ बाल नहीं होंगे। जब आपकी स्केल्प साफ हो जाएगी, बालों की जड़ जो है आसपास का क्षेत्र, बालों की जड़ों के आसपास का एरिया क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तो वहां से नए बाल भी उगने लग जाएंगे। सो आज का ये वीडियो हमारे इसी टॉपिक पर होने वाला है कि आप अपने डैंड्रफ को दूर कर सकते हैं कैसे और बालों को घना लंबा कैसे कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर लेमन जूस यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर सरसों का तेल। सो सरसों के तेल का बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है, यह ना सिर्फ खाना बनाने और मालिश करने के काम आता है, ये आपके बालों को घना लंबा मौजूद करने में भी आपकी उतनी हेल्प करता है। तो आप इसको किसी किराना जनरल स्टोर से ले सकते हैं या फिर आप इसको किसी गाइस ऑनलाइन साइट से भी परचेज कर सकते हैं, बशर्ते आपको अच्छे ब्रांड का ले लेना है। तो अब मैं आपको बता दूंगा इसकी, आपको आधा कप नींबू का रस चाहिए और आपको चाहिए सरसों ऑयल, तो आप आधा कप नींबू के रस में एक चम्मच सरसों ऑयल मिला लीजिए, मिला लेंगे यहाँ पर। सो बेसिकली गाइस आप जब आप नींबू का रस अप्लाई करेंगे आपके बालों पर तो आपके बालों का शाइन चला जाएगा पूरा। सो हम आपके बालों को जो है शाइन तो सरसों का तेल साथ में करेगा ही करेगा, साथ ही आपके बालों को थिक करने और लंबा करने में आपकी मदद करेगा। तो आपके डैंड्रफ की समस्या नहीं है तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके बालों की जड़ों को साफ कर देता है, आपके स्कैल्प को क्लीन कर देता है। सो कई बार आपके बाल छो रहते हैं वो दबे रह जाते हैं या फिर उग नहीं पाते हैं, क्योंकि बालों की स्कैल्प पर गाइस कुछ परतें जमी होती हैं डेड स्किन सेल्स की। सो आप इसको यूज करेंगे तो डेड स्किन सेल्स की परतें हट जाएंगी, जिससे आपके नए बाल उगने लगेंगे, जिससे आपके बाल कम होंगे, घने नहीं होंगे तो नए बाल आ जाएंगे जिससे आपके बाल घने होने लग जाएंगे। सो आप इसको यूज कर सकते हैं दिन में एक बार। तो यूज कैसे करना है, आपको इसको जड़ों से लेकर सिरे तक लगा लेना है पहले, तो फिर इससे आपको जड़ों में मालिश करनी है 15 से 20 मिनट तक हल्के हल्के हाथों से, हल्के हल्के हाथों से जड़ों में मसाज कीजिए, फिर पूरे बालों में इसको रब कीजिए, मतलब रगड़ना है हल्के हल्के हाथों से। सो इसका यूज करना है 15 मिनट तक आपको हल्के हाथों से मसाज करनी है, फिर 5 से 7 मिनट के लिए बालों में रगड़ना है ठीक तरह से। सो अब जो गाइस जब आपका ये कंप्लीट हो जाए तो आप इसको तुरंत ही धो लीजिए, इस बात का ध्यान रखना, इसको सूखने के लिए नहीं छोड़ना है। मैं बोलता हूँ कि 2 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ दीजिए, बट 2 घंटे तक सूखने के लिए नहीं छोड़ना है, तुरंत ही धो लेना है अप्लाई करने के बाद। 15 मिनट तक मसाज करनी है, 5 से 7 मिनट तक रगड़ना है अपने बालों में, फिर धो लेना है। धोने के लिए साफ पानी का यूज करना है, किसी शैम्पू साबुन का यूज नहीं करना है। सो जब हम धो लेंगे इसको साफ पानी से तो उसके 2 घंटे बाद आपको कंडीशनर यूज करना है, इस बात का ध्यान रखना, सिर्फ कंडीशनर यूज करना है, शैम्पू यूज नहीं करना है। तो दिन में आप एक बार यूज कर सकते हैं, आप 3 से 4 बार इसका यूज करेंगे तो बेसिकली आपके डैंड्रफ खत्म हो जाएगा, आपकी जो स्कैल्प है आपकी रूट्स जो है वो क्लीन हो जाएंगी, जिससे आपकी बालों की ग्रोथ तेजी से होने लगेगी। सो होप ये नुस्खा पसंद आया होगा आपको, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा वीडियो के नीचे उसको क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा बटन दबाइए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे ठीक तरह से। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।